ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, जय जय बुंदेलखंड, जय वीरभूमि महोबा। ये देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है फ्लोटिंग ब्रिज जिसे कहते हैं, बुंदेलखंड का पहला फ्लोटिंग ब्रिज। फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरने वाला पुल। ये तैरने वाला पुल जो मेरे पीछे है, ये करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो खाखरा मठ है। उधर तक जाने के लिए, दर्शकों को ले जाने के लिए, जो मदन सागर सरोवर के मध्य में है, और बहुत ही खूबसूरत, एक उसको देख के लगता है कि खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाता है। और ये स्वयं एक शिवालय है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये फ्लोटिंग ब्रिज, तैरने वाला पुल, बर्बाद हो गया। करोड़ों रुपए इसमें जो लगाए गए थे वो सब बर्बाद हो गए, उसकी क्या कहानी। सरकार एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रयास कर रही है, और वहीं पर हमारे महोबा में जो एक फ्लोटिंग ब्रिज था, उसका हाल देखिए क्या है इस समय। ये फ्लोटिंग ब्रिज तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा है, और ये देखिए, इसको पास से दिखाता हूँ। इसमें ये जो कटीली लकड़ी इसलिए डाली गई है ताकि लोग जाए ना, ये आगे से धस गया है। देखिए कुछ झुका हुआ लग रहा है आपको, इसलिए धस गया है क्योंकि थोड़ा पानी इधर कम हुआ, एक वजह ये थी। तालाब में देखिए धस गया है ये फ्लोटिंग ब्रिज, और आगे भी इसमें वो लगा दिया गया है, आगे भी झाड़ झंकार लगाया गया है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ताकि लोग जाए ना, क्योंकि ये उसके बगल वाला जो साइड में एक खड़े होने के लिए बनाया गया है, फूड स्टेप टाइप का या स्टॉपेज, तो वो देखिए धस गया है, धसा हुआ लग रहा है आपको। और ये बगल में देखिए, ये थोड़ा ठीक है, कमोवेश यही हाल आगे पूरे पुल का है, पूरे पुल का यही हाल है। और इसमें जगह जगह नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। और अब ये, और आगे जब हम पहुंचते हैं खाखरा मठ के करीब, तो वहाँ पर पानी भरा है, आप पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये जो ब्रिज बना था, ये ब्रिज मदन सागर के सौंदर्यीकरण के लिए एक पैसा आया था केंद्र सरकार से, और 3 करोड़ 65 लाख रुपए आया था, ये आया था, और उससे मदन सागर का सौंदर्यीकरण होना था, उसी के तहत ये पैसा लगाया गया था। लेकिन इस ब्रिज को देखभाल के अभाव में, और इसको जो है बंद कर दिया गया, और ये नहीं चल रहा है। आप देखिए खाखरा मठ दिखाते हैं आपको, ये जो नायाब कृति है खाखरा मठ, इसको खाखरा मठ पहले क्यों कहते हैं, ये है शिवालय। दक्षिण भारत में काकरा आरती होती है शिव जी की, तो काकरा आरती होती है, और जो शिवालय होते हैं उनको काकरा मठ कहते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम धीरे धीरे बिगड़ के खाखरा मठ हो गया, काकरा मठ से खाखरा मठ हो गया। ये जो शिवालय है ये बहुत ही खूबसूरत है, देखिए इसकी अद्भुत डिज़ाइन देखिए, इसमें बिना सीमेंट गारे के ये बनाया गया, और ये 105 फुट ऊंचा है, और इसमें नीचे इसका बेस है बहुत मजबूत, चारों तरफ से तालाब का नज़ारा दिखता है, इसमें बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। लेकिन और हमारे तालाब में इस समय कमल भी लगे हुए हैं, और जलकुंभी भी पटी हुई है, दोनों पटी हुई है, ये देखिए। और इसके बगल में एक मझारी द्वीप है जहाँ पर 6 हाथी कटे हुए पड़े हैं,
और वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह थी, पर उपेक्षा की शिकार है। तो ये जो शिवालय है इसको, इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। बाकी ये देखिए पूरे में जलकुंभी भरी हुई है, और यहाँ भी पहले बोटिंग होती थी, ये बोटिंग के लिए स्टैंड बनाया गया था इसी ब्रिज का, और लेकिन वो सब बोटें बंद हो गई और अब बोटिंग का भी सिस्टम ख़त्म हो गया। ये देखिए एक बोट पड़ी हुई है इधर, एक बोट ये पड़ी हुई है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महोबा इसमें लिखा हुआ है। तो ये बोटें यहाँ सब धूल फांक रही हैं, और ये हमारा मदन सागर। तो पोजीशन कुल मिला के बहुत ख़राब है, इसको क्या कहें। चलिए मैं थोड़ा सा अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अंदर से इसका बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था। बुंदेलखंड में जब ये पहली बार महोबा में बनाया गया तो लोगों को बड़ा गर्व हुआ, बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम एक नई चीज़ आई। खकरा मठ तक जाने के लिए एक बहुत अच्छा वो मिला, लेकिन उसके मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दिया गया, उस पर कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे ये धीरे धीरे इस हालात में पहुंच गया है। चारों तरफ देखिए झाड़ियाँ उगी हुई हैं, झाड़ झंकाड़ उग गया है, पूरा गंदगी पसरी पड़ी हुई है। लेकिन बस इसके बारे में कौन ध्यान देगा, कब ध्यान देगा, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये एक पत्थर लगा हुआ है, इसमें बात आई है, दक्षिण भारत में शिव पूजा में काकरा आरती की परंपरा है। शिव मंदिर होने के कारण काकरा मठ नाम रखा गया, बाद में खकरा मठ पड़ा। इसका आधार 42 फीट लंबा और मंदिर की ऊंचाई 103 फीट है। मुख्य द्वार पूर्व में तथा दो द्वार उत्तर व दक्षिण में है। इसका निर्माण मदन वर्मन ने 1129 से 1164 में करवाया था, यानी करीब 1000 वर्ष होने जा रहे हैं इसको, 1000 वर्ष पुराना है ये हमारा खकरा मठ। एक अद्भुत नायाब शैली पर अब उपेक्षा की शिकार है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कब इन स्थानों का हाल सुधरेगा देखते हैं। पैसा आता है, खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। खकरा मठ को लेके एक देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है इधर, पत्थर पे लिखा हुआ है, शिलापट पे उसके बारे में डिटेल दिया है। ये देखिए मदन सागर सरोवर की सौंदर्य वृद्धि करता है मंदिर चंदेल नरेश मदन वर्मन ने बनवाया था 1129 से 63 के बीच में, और ये वस्तुकली सौंदर्य प्रीता का द्योतक है। और एक देवालय है सरोवर के मध्य में स्थित, इस देवालय का निर्माण प्राकृतिक पाषाण शिलाओं को संग्रहित कर एक ऊंची जगती पर किया गया। खजुराहो शैली में निर्मित इस मंदिर का आधार 12x8 मीटर है और ऊंचाई 31 मीटर है, 31 मीटर यानी लगभग 105 फीट करीब है ये। और इसमें गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्ध मंडप क्रमशः घटते हुए क्रम में है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व में तथा दो अन्य द्वार उत्तर पश्चिम में है। ये यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो ये एक टेम्पल है, इसमें देखिए देवालय लिखा हुआ है ना, सरोवर के मध्य में स्थित देवालय पर, तो ये एक देवालय है। ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा है कि सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द टैंक दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन ऑन हाई प्लिंथ। तो ये जो है एक टेम्पल है, और इस टेम्पल में पहले साधना करते होंगे और बैठते होंगे, राजा बैठते होंगे क्योंकि चंदेल काल में बना था, तो इसका एक अलग इम्पोर्टेंस था। और आज भी बहुत ही खूबसूरत जगह है वो,
लेकिन उसको कौन, उसको आज देखना, आज उसका ख्याल रखना। वहाँ बैठने के लिए जाना चाहिए, एक टिकट होता, यहाँ गेट बना होता और पूरी समुचित व्यवस्था होती तो बात ही अलग थी। ये देखिए किधर से, इस एंगल से ये सब जलकुंभी पड़ी हुई है, भरी हुई। एक मशीन भी आई थी जलकुंभी निकालने के लिए, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन वो मशीन भी पता नहीं कहाँ है, आज किस हाल में है, और तालाब की दशा न सुधर पाई, न कीरत सागर की और न मदन सागर की। ये देखिए, आइए हम इस ब्रिज पे चलते हैं, थोड़ा सा इस पे चढ़ के थोड़ा देखते हैं। देखिए दो लोग बैठे भी हैं, आनंद ले रहे हैं। और भी है, क्या है हाल? खाकरा मठ का आनंद ले रहे हैं। देखिए पानी में पैर डाल के, यहाँ मछलियाँ भी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। क्या हो, पानी में मछलियाँ भी हैं। ये देखिए नज़ारा खकरा मठ का इधर से, बहुत ही शानदार। ओम नमः शिवाय। ये भी देखिए जगह जगह से टूट चुका है, देखिए ये सब, इसकी ये सब पटरे टूट गए हैं, पोजीशन अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति में है। ये सब पटरे अलग अलग हो गए हैं, बस चल रहा है किसी तरह से। ओम नमः शिवाय, जय हो। जय हो बाबा, जय भोलेनाथ।